हेलो दोस्तों, नमस्कार। यह हमारा वैक्यूम पंप का पैनल है और ये हम देखेंगे कि हमारा मेन पंप जो है वो एक पंप चल रहा है और रूट पंप जो है वो बंद है। तो रूट पंप बंद है तो अक्सर ऐसा होता है कि जब 5-6 घंटे के बाद जब हमारा वैक्यूम पंप स्टार्ट होता है तो उसमें क्या है कि वैक्यूम पंप मेन तो स्टार्ट हो जाएगा पर रूट पंप और उसका रोटर जाम होता है। वैक्यूम जो बनाता है वो रोटर जाम होता है, इसके वजह से वो चल नहीं पाता है और ट्रिप मार देता है। तो आइए चेक करते हैं क्या हुआ है। तो पैनल ओपन किए और इसमें सबसे पहले हम पावर सप्लाई चेक करेंगे जो NFC कॉन्टैक्ट है, मीन्स हम जहाँ स्टार्ट करते हैं रोटरी स्विच पे। देखिए हमारा पावर शायद नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं आ रहा है पावर। तो इससे हम कंफर्म हो जाता है कि हमारा रिले जो है कहीं ना कहीं ट्रिप है। तो हम उसको एक बार रीसेट करके देख सकते हैं। तो एक बार रीसेट करते हैं और देखिए ये अब NFC कंट्रेक्ट पर पावर आ गया, यानी रोटरी स्विच ऑन है। इसका मतलब अब चालू ही हो गया है रूट पंप। देखिए रूट पंप चालू है। तो चालू होने के बाद एक कंफर्मेशन के लिए हम एक बार एम्पियर चेक कर लेंगे कि हमारा रूट पंप जो है 3 HP का है तो एम्पियर कितना ले रहा है। तो देखिए इसमें देखते हैं कि हम एम्पियर बराबर ही ले रहा है, 2.26 ले रहा है आर में, और वाई में देखते हैं क्या ले रहा है। देखिए वाई में भी 2.30, मीन्स ओवरऑल कहीं ना कहीं वो 2.3 ही है। और ये जो है हमारा जो अंडर ही है फुल लोड एम्पियर का, 3 HP का मोटर ऐसे 4.5 एम्पियर फुल लोड एम्पियर होता है पर ये अंडर लोड है। तो उसके बाद हम जो मेन पंप है 5 HP का उसका भी एम्पियर चेक कर लेंगे एक बार। तो देखिए इस ये हमारा जो 5 HP का है वो 4.56 एम्पियर ले रहा है। और देखिए बी में ले रहा है 4.90, मीन्स थोड़ा वेरी कर सकता है लोड के अनुसार। और ये आर में है 4.65। तो हमारा दोनों का एम्पियर, दोनों मोटर का एम्पियर बराबर है, अंडर फुल लोड एम्पियर है। तो हम इसको एक बार और ट्रिप ना हो जाए चालू होने के बाद तो फिर एक बार इसको बंद करके और स्विचिंग ऑफ करके एक बार रीस्टार्ट करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, फिर एक बार इसको रीस्टार्ट करेंगे। देखिए दोनों एक साथ चालू हो रहा है, यानी हमारा जो है ओके है सिस्टम। ओके बाय, थैंक यू। दोस्तों ऐसे ही प्रैक्टिकल नए वीडियो डालते रहूँगा इस चैनल पे। यदि आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे थोड़ा मेरे को सपोर्ट मिलेगा। और बने रहिए इस चैनल के साथ नए वीडियो के लिए। ओके बाय, थैंक यू।